नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संतान की सलामती के लिए यह व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि 8 नवंबर को है दोस्तों। इस बार अहोई अष्टमी जो है 8 नवंबर को पड़ रही है। रविवार की सुबह 7:30 बजे आरंभ हो जाएगी और इसका समापन दोस्तों 9 नवंबर 2020 को 6:55 पर होगा। 8 नवंबर रविवार की शाम 5:26 से लेकर 6:46 तक अहोई माता की पूजा का शुभ मुहूर्त है। पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त 8 नवंबर की शाम 5:30 से 6:40 तक दोस्तों रहेगा, जो कि संतान की सुरक्षा संतान की मनोकामना के लिए यह व्रत किया जाता है। दोस्तों ऐसी मान्यता है, पुराने जमाने में भारत के दतिया नाम के नगर में चंद्रभान नामक एक सेठ रहता था। दोस्तों अहोई माता की यह कथा सुनने से ही आपको सभी पुण्य प्राप्त होती है दोस्तों। उसकी बहुत ही गुणवती सुंदर चरित्रवान तथा पवित्र पत्नी का नाम चंद्रिका था। उसके कई संतानें हुई मगर वे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाती। इसी कारण पति पत्नी जो थे बहुत दुखी रहते। एक दिन वे दोनों जंगल में निवास करने का निर्णय करके सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते पति और पत्नी बद्रिका आश्रम के पास शीतल कुंड के किनारे पहुंचे। वहां मरने का मन बनाकर अन्न और जल त्याग कर बैठ गए। इसी तरह बैठे 7 दिन बीत गए दोस्तों, तो आकाशवाणी हुई कि तुम अपने प्राण नहीं त्यागो, यह दुख तुम्हें पिछले जन्म के पाप के कर्मों से मिला है। और कहा कि ए सेठ, अब तू अपनी पत्नी से आने वाले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को व्रत करना, जिसके प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रकट होकर तुम्हारे पास आएगी। तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना और व्रत के दिन रात को राधा कुंड में स्नान करना। दोस्तों कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत जो है श्रद्धा पूर्वक धारण किया। दोस्तों रात को सेठ ने राधा कुंड में जाकर स्नान किया। जब सेठ स्नान करके वापस आ रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने दर्शन देकर कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सेठ अहोई देवी के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहा कि माँ, मेरे बच्चे छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार जाते हैं, इसलिए उनकी दीर्घायु के लिए मुझे वर दीजिए। अहोई देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा। यह कहकर अहोई देवी अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिन के बाद सेठ के घर पुत्र पैदा हुआ और बड़ा होकर बहुत ही विद्वान शक्तिशाली और प्रतापी राजा हुआ। तभी से यह अहोई व्रत मनाया जाता है दोस्तों। इस महिमा के कारण व्रत की अहोई माता के व्रत का प्रभाव बना। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि थी, इसलिए सभी माताएं इसी दिन अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती है और विधि अनुसार पूजा आराधना करती है तथा अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करती है। माता अहोई की कृपा से आपके भी संतान कुशल पूर्वक रहे। इन्हीं सभी बातों को लेकर मैं ये वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।